हम मौजूद हैं यूपी के जनपद अमरोहा में, जहां आस्था का पर्व गंगा स्नान, एक मेला यहां पर चल रहा है। माँ गंगा के पावन तट पर हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि हम मौजूद हैं एक नाव में और यहां पर हम चर्चा करेंगे आस्था के बारे में, संस्कृति के बारे में। हम चर्चा करेंगे माँ गंगा के बारे में, हम चर्चा करेंगे पतित पावनी गंगा के बारे में। और हमारे साथ चुके इस मेले के जो प्रभारी हैं, मेला प्रभारी अमरोहा जनपद के मुख्य विकास अधिकारी जी मौजूद हैं, चुके हम उनसे बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं उनसे। सर, क्या कहना चाहेंगे, चूँकि तिगरी पर यहाँ बहुत बड़ा एक आस्था का कुंभ, ये कुंभ की तर्ज पर मेला चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तिगरी का जो मेला है, यह जो है हमारा दो हिस्सों में होता है, एक तो धार्मिक मेला है और एक सामाजिक। धार्मिक मेला जो पौराणिक स्थिति है कि महाभारत काल में जब युद्ध अंतिम दिन खत्म हो गया और पांडव विजित हो गए, जीत गए, लेकिन उस समय जो है दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई थी, उसकी गदा, उसका जंघा तोड़ दिया गया था और एक स्थान पे वो जो है मरण सैया पे पड़ा था। उस समय तीन व्यक्ति बाकी रह गए थे युद्ध में, एक तो कृप, दूसरा जो है अश्वत्थामा और तीसरा कृतवर्मा। ये तीनों दुर्योधन से मिलने गए। जब दुर्योधन से मिलने गए तो दुर्योधन ने बताया कि कैसे द्रोणाचार्य का जो है वध किया गया। यह सुन करके अश्वत्थामा आग बबूला हो गया और उसने कहा कि मैं सभी पांडवों को आज ही नाश कर दूंगा, क्योंकि अश्वत्थामा उस समय क्रोध में था और वो रात के अंधेरे में गया एक शिविर में, जहां पे पांडव लोग का शिविर था। एक शिविर में पांडव जो द्रौपदी के पांच पुत्र थे, जो पांचों पुत्र, पांचों पांडव से एक एक पुत्र थे, वो एक साथ सोए हुए थे। उसने यह समझा कि पांचों पांडव सोए हुए हैं, उसने सबसे पहले धृष्टद्युम्न को उसके पंडाल में मारा सोते समय, फिर पांचों पांडव को मार करके आ गया। उसने यह समझा कि मैंने पांचों पांडव को मार लिया है, लेकिन उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने यह सोते हुए और निहस्ते लोगों को मारा है। वो प्रायश्चित करने के लिए निकला और व्यास ऋषि के आश्रम में पहुंचा। व्यास ऋषि ने बताया, नहीं, पांडव तो अभी मरे नहीं हुए हैं। इधर घटनाक्रम यह हुआ कि द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा की कि हमको अभी पांडव, मतलब जो है अश्वत्थामा का जो है सर चाहिए। कृष्ण ने बताया कि अश्वत्थामा तो अमर है, इस पृथ्वी लोक पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसका उसकी मृत्यु होती है। भगवान ने भी यदि जन्म लिया तो वो भी अपने शरीर का त्याग किए। सिर्फ तीन ऐसे पुरुष हैं जो जन्म लेने के बाद जिनको अमर होने का वरदान प्राप्त है, उसमें एक हनुमान जी हैं, दूसरे परशुराम जी हैं और तीसरे अश्वत्थामा हैं। तो कृष्ण ने कहा कि उसको मारा नहीं जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि हमको उसको, उसका जो है, इन लोगों का मैं जा रहा हूं और उसके अपमानित करके तुम्हारे पास ले आऊंगा। ये लोग वहां पर पहुंचे। वहां पर जब पहुंचते हैं तो अश्वत्थामा अकेला था, उसके पास ब्रह्मास्त्र था। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, फिर युद्ध होने की स्थिति आ गई। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन को भी के पास ब्रह्मास्त्र था, उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। व्यास जी ने दोनों अस्त्रों को रोक लिया, कहा कि तुम लोगों को मालूम नहीं है कि यह ब्रह्मास्त्र का अर्थ क्या होता है, ये पूरी सृष्टि नाश हो जाएगी। ऐसे में अर्जुन से उन्होंने कहा, अर्जुन तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुन ने ले लिया। अश्वत्थामा ने से कहा गया, उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो वापस लेने की शक्ति नहीं है मेरे में। तो कहा गया कि इसको फिर आप अपना डाइवर्ट करिए, इसको कहीं अन्य दिशा में। तो उसने उसको उत्तरा के गर्भ में, जो राजा परीक्षित का मतलब जन्म होने वाला था, उसकी तरफ डाइवर्ट करता है। कृष्ण को यह मालूम हो जाता है, तो उन्होंने अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को फिर रोकते हैं। राजा परीक्षित का जन्म होता है। अश्वत्थामा के सर में एक मड़ी थी, उस मड़ी को फिर अर्जुन जो है अपने बाणों से निकाल करके लेकर के आते हैं और उसको देते हैं। और कृष्ण फिर उसको श्राप देते हैं कि तुमने दो गलत कार्य किया। पहला कार्य यह किया कि सोते हुए पांच बच्चों को तुमने मारा, दूसरा एक जो पैदा होने जा रहा था
उसको भी तुमने मारने का प्रयास किया है, इसलिए तुम अमर हो हमेशा, जिंदगी भर तुम्हारे माथे से खून ऐसे टपकता रहेगा और तुम जो है अपने पश्चाताप से इधर उधर टहलते रहोगे। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने ये भी कहा कि मतलब यहां तक तो धार्मिक कथा थी, इसके बाद श्रुतियों पे कथा है कि श्रुतियां ये हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो फिर यहीं गढ़ में मुक्ति प्राप्त के लिए उन्होंने, कृष्ण ने उसको वरदान दिया था कि तुम जाओ गढ़ मुक्तेश्वर, इसीलिए नाम भी है कि गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र में जाओ और तपस्या करो और माँ की जो है आराधना करो, और जब माँ प्रसन्न होंगी, जब यह शिष्ट समाप्त होने लगेगी तभी तुम्हारा यह पाप समाप्त होगा। एक श्रुति यह है। दूसरी श्रुति यह है कि अश्वत्थामा और मध्य प्रदेश के एक बूढ़नपुर तहसील में एक शिव मंदिर है जहां पे माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी वहां पे हैं, क्योंकि उस मंदिर में सुबह सुबह मतलब जब मंदिर खुलता है तो गुलाल और जो है उसकी मतलब फूल मिलते हैं। लोगों के मानना है कि सबसे पहले यहां पे अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। ऐसा भी मानने में आया है, सुनने में आया है कि राजा पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा से उनकी मुलाकात भी हुई थी, क्योंकि राजा पृथ्वीराज चौहान जी जो हैं वो बहुत ही बड़े योद्धा के साथ साथ तो बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। उनकी मुलाकात अश्वत्थामा से जंगल में हो गई और उन्होंने बूढ़े आदमी के सर पे देखा कि खून निकल रहा है, तो उन्होंने दवाओं का प्रयोग किया उसको कि हम ठीक कर देंगे, लेकिन वह बहुत दिन तक इलाज करते रहे और वो ठीक नहीं कर पाए उस जंगल में रुक करके। तो फिर पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मेरी दवाएं का असर यदि किसी पर नहीं हो सकता है तो वह सिर्फ अश्वत्थामा है। तो ऐसा लगता है कि आप महाराज, लगता है आप अश्वत्थामा जी ही हैं, क्योंकि कृष्ण ने अब उनको श्राप दिया था, तुम बोल नहीं सकोगे, लोग तुम्हें देख नहीं पाएंगे, ऐसे में मतलब लोग तुम्हारी भाषा को समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने स्वीकृति दी थी कि हाँ साहब मैं ही अश्वत्थामा हूं। ये सब श्रुतियां हैं, इस पर हम लोग नहीं ज्यादा कर सकते हैं। यह तो हमारा धार्मिक पर्व था। दूसरा, इस महले में तब से उसी समय से लोग दीपदान कर रहे हैं कि हर साल अश्वत्थामा एक साल बीतने पर वो आते थे और दीप जलाते थे कि आज मेरा एक साल हो गया। उस क्रम में यह दीपदान का महोत्सव चलता आया है और युद्ध में जितने लोग मारे गए थे उन पितरों की शांति के लिए लोगों ने उस समय यहाँ पे दीपदान का कार्यक्रम किया था और तब से यह दीपदान का कार्यक्रम चला आ रहा है। यह हमारा इस मेले का धार्मिक प्रयोजन रहा है। जहां तक सामाजिक प्रयोजन की बात है तो सामाजिक प्रयोजन का अर्थ यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हर समाज के लोग आते हैं, ब्राह्मण सभा, क्षत्रिय महासभा, पाल महासभा, जाट महासभा, गुजर महासभा और हमारे जाटों महासभा, सभी लोग यहाँ आते हैं और अपने अपने पंडाल लगाते हैं और उन पंडालों में लोग, एक तो यह संदेश जाता है पूरे उसमें कि सभी लोग एक साथ हैं और एक साथ गंगा स्नान करते हैं। यहाँ पे कोई फिर छुआछूत की यह सब बातें नहीं रह जाती, वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। घाट पे आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, इस भीड़ में कौन किस समाज से आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ किस समाज के लोग हैं। कोई छुआछूत और कोई भेदभाव नहीं है, सब एक साथ नहा रहे हैं। एक तो ये सामाजिकता होती है, दूसरा ये जो इनके समाज हैं, इस समाज के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उनको ये भी मालूम होता है कि हमारे समाज में लड़के लड़कियां किसके यहाँ हैं, वे आपस में शादी ब्याह का भी यहाँ पे जो है रिश्ते तय करते हैं। रिश्ते तय होते हैं यहाँ पर, ये पुरानी यहाँ प्रथाएं रही हैं। अब तो नया युग आ गया है और शादी .com और अन्य .coms आ गए हैं, पहले .coms नहीं थे तो लोग यहाँ पे इकट्ठे होते थे और इस तरह आपस में इकट्ठे होकर के एक दूसरे से बातचीत करते थे, जानकारी प्राप्त होती थी, जानकारी देने का और पाने का एक माध्यम था ये। अब मीडिया आ गई है, सोशल मीडिया आ गई है, प्रिंट मीडिया आ गई है, तो उसके माध्यम से लोगों के पास अब दूसरे तरीके हो गए जिससे अब वो लोग शादी ब्याह अपना तय कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो यहाँ पे पहले बहुत बड़ा एक इस तरह का लोगों की जानकारी का आदान प्रदान इससे हुआ करता। कुछ इतिहासविदों का, कुछ लोगों का ये भी कहना है
कि जो आला उधल की बात आती है, आला उधल की कहानी की बात आती है कि वह भी यहाँ पर आते थे और वो एक तरह से यहाँ पर पूरा एक तरह से युद्ध अवस्था मतलब युद्ध की तरह एक अभ्यास होता था, वो लोग रहते थे यहाँ पर पूरा उनका होता था, इसके बारे में आप क्या मानते हैं, क्या चाहते हैं? इसके बारे में देखिए ऐसा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि आला उधल का क्षेत्र जो है महोबा डिस्ट्रिक्ट है, जिला महोबा उत्तर प्रदेश में ही है वो भी, और वहाँ से सतना जिले में माँ शारदा देवी का मैहर मंदिर है, काफी भव्य मंदिर है और यह मानता रही है कि वो लोग वहाँ पे रहे और उनकी कुल देवी रही हैं और वो वहाँ पे ही जाते रहे, ऐसा कोई ठोस प्रमाण पत्र कहीं भी नहीं मिला नहीं है। अच्छा सर, क्योंकि माँ गंगा के हम बीच में धार में हैं यहाँ पर, कहा जाता है कि जो माँ गंगा का ये जल है, ये जल चाहे एक वर्ष दो वर्ष या तीन वर्षों तक इसको हम बंद करके रख लें, बोतल में रख लें, एक डिब्बे में रख लें, खराब नहीं होता, जबकि जो नॉर्मल हमारा घर का जो जल होता है, ट्यूबवेल का होता है, नल का होता है, वह खराब हो जाता है, इसके बारे में फिर क्या कहना चाहेंगे? यह जो बात है एकदम सत्य है, आप अजमा के देख सकते हैं जी, लेकिन समस्या अब दूसरी हो गई कि नीचे जैसे जैसे हम उतर गए हैं वहाँ पे फैक्ट्रियों का प्रदूषण इसमें आ गया है, लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो आप रख करके देख लीजिए, अजमा के देख लीजिए, आपको अपने आप दिखाई पड़ेगा, इसमें कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं। उसका कारण दूसरा है, ये नदी जो है हमारी पहाड़ों से होकर के आती है और वहाँ काफी जड़ी बूटियों हैं, इसके आपको रोज रेत को देखिए ना तो चमकता हुआ आएगा, आप धूप में कभी देखिए दूर से चमकता है, चमकीला होता है, चमकीला होता है, वो एक्चुअल में क्या है ना कि वो जो है हमारा सिल्वर तत्व है और वो सिल्वर तत्व के कारण वह हमारा पानी खराब नहीं होता है। जैसे तांबे के बर्तन में और सिल्वर के बर्तन में हम लोग पानी पीते हैं, तांबा तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि सिल्वर महंगा है हम नहीं कर पाते हैं, और यह सिल्वर का तत्व तो मिला हुआ पानी आपको है। सर ये तो चलिए बात हो गई आस्था की, चूंकि आप मेला प्रभारी हैं, जहां तक मैं जानता हूं शायद पहली बार आपके निर्देशन में ये मेला हो रहा है, इससे पहले शायद आप अमरोहा में नहीं रहे हैं, पहली तैनाती आपके अमरोहा में है, आप एज ए मेला मजिस्ट्रेट आप यहां रहे हैं, मेला पूरा आपके निर्देशन में हुआ है, एक मेजबान की तरह आप पूरे मेले को आपने देखा, मैं 5-6 दिन से पीछे देख रहा हूं किस प्रकार से आप लगातार जो है आपने काम किया है, लगातार निर्देशन आप दे रहे हैं, लगातार लोगों को देख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये बताइए क्या लगता है, क्या ये चुनौती, एक तरह से कहा जाता है कि चुनौती भी है अवसर भी है, तो आप इसे इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, चुनौती और अवसर तो माना जा सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग प्रशासन के लोग हैं, हमारे कार्य ही है कि हम लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें। एक नई बात इस साल आपने देखी होगी कि हम लोगों ने गंगा आरती प्रारंभ किया, जो अब तक कभी हुआ नहीं करता था कि मंगा लोग आते थे स्नान करके चले जाते थे, हाँ कहीं मतलब जो है सरकारी व्यवस्था में या प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसी बात नहीं होती थी कि लोग एक आरती जैसा उत्सव यहाँ पे जनरेट किया जाए, तो हम लोगों ने एक आरती का एक कार्यक्रम किया है, उसके साथ साथ एक धार्मिक कार्यक्रम भी हमारा होता है 2-3 घंटे का, जिसमें भजन संध्या और अन्य हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम है वो हो रहे हैं और लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि हाँ ये अच्छा चीज है, और आप स्वयं बता सकते हैं कि लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? वो तो बात बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बताई है। अब चूंकि मेरा कल मुख्य इंसान मुख जो स्नान है होने वाला है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कल होने वाला है, चूंकि लगता है कि लगभग 12-13 लाख की संख्या में लोग यहां पहुंच चुके हैं, जो कल श्रद्धालु चूंकि स्नान करने वाले हैं, आप क्या संदेश उनके लिए देने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कल मुख्य पर्व नहीं है, मुख्य पर्व आज है जो 12 बजे से शुरू हो जाता है, आज एक्चुअल में लोग अपने पितरों को दीपदान देते हैं, इनके हमारे जो पितर एक साल में गुजर जाते हैं उनको हम दिए जलाते हैं, अभी 1 घंटे बाद आप देखिएगा गंगा में ढेर सारे दिए लोग जलाएंगे हैं, और यह पूर्णिमा तक चलता है, लोग दूसरे दिन पूर्णिमा के स्नान करते हैं। लोगों से मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि गंगा को पवित्र रखें, और अकेले सरकारी प्रयास से गंगा को पवित्र नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से भागीरथी ने प्रयास करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे तपस्या करके, वैसे हम सभी को भागीरथी प्रयास करना पड़ेगा तभी गंगा हमारी निर्मल हो पाएंगी, और खासकर उन गांवों के लोगों को पूर्ण रूप से प्रयास करना पड़ेगा, जो गांव गंगा के किनारे हैं वे लोग अपने उन्हीं को लोग पुरोहित मानते हैं, उन्हीं के जजमान आते हैं, उनको बताना पड़ेगा कि देखिए यह गंदगी मत डालिए, इसमें विशेष रूप से मतलब जो हमारा पॉलिथीन बैग है या प्लास्टिक की चीजें हैं, हम अपने घर में हवन करते हैं माला फूल बचा उसको ले आकर के गंगा में पॉलिथीन सहित प्रवाहित कर देते हैं, आप फूल प्रवाहित करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि मछलियां खा लेती हैं, अन्य जीव खा लेते हैं उसको, उनका भोजन हो जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक क्या करता है कि वो कोई जानवर नहीं खाता और वो नीचे तली में जाकर के बैठ जाता है, जिससे हमारा पानी जो होता है रिचार्ज नहीं हो पाता है,
और वो पानी फिर रुकने लगता है, रुका हुआ पानी फिर जो है गंदा होने लगता है। आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक सब लोग भगीरथ प्रयास नहीं करेंगे, जब तक जनमानस जो है इसमें नहीं जुटेगा, प्रयास नहीं करेगा, तब तक संभव ये नहीं हो पाएगा, स्वच्छ गंगा नहीं हो पाएगी। यह मेरा अर्थ नहीं है, लेकिन यह है कि हम सभी को मिलकर के एक भागीरथी प्रयास करना पड़ेगा कि जिससे कि माँ गंगा एकदम निर्मल स्वच्छ रहे। जो आपने कहा ना कि पानी जैसे हम रखे रहते हैं साल भर में और कोई दाग नहीं पड़ता है, वही बना रहे ना। नहीं तो यदि हम इसमें सिर्फ गंदगी डालते रहेंगे, और दूसरा पानी देखिए गंगा में कम भी हो रहा है, उसका कारण दूसरा भी है। माँ गंगा हमको सिर्फ स्नान ही नहीं करने को दे रही है, हमने ढेर सारी नहरें अपर गंगा, लोअर गंगा, मध्य गंगा नहरें निकाल रखी हैं, जो हमको पानी दे रहा है, हमारी खेती को पानी दे रहा है, जो हमको इस एक तरीके से भोजन दे रही है, वाटर रिचार्ज, हाँ नहीं पानी दे रहे हैं, तभी तो फसल पा रहे हैं, फसल पा रहे तो आप खाना पा रहे हैं। एक तरीके से माँ गंगा हमको उस तरीके से भी जो है भोजन उपलब्ध करा रही है। तो ये हमारे लिए सिर्फ पानी ही नहीं है, हमारे लिए प्राण देने वाली है, हमको भोजन देने वाली है। जो लोग मांसाहारी हैं उनको मछलियां मिलती हैं इससे, तो कहा भी जाता है जीवनदायिनी, हाँ, जीवनदायिनी पतित पावनी गंगा, वो तो ही है। लेकिन इसमें जो है इसलिए हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा और इस पे रहना पड़ेगा कि ये हमारी लाइफ लाइन है, यह जिंदगी, हाँ जिंदगी है। यदि हम इसको दवा देंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे। ये हमारे मतलब स्मिता का प्रश्न, मतलब स्मिता की पहचान है, हमको इसको बचाए रखना होगा और इसको स्वच्छ रखना पड़ेगा। लोगों से मेरी यही अपील है, धन्यवाद। आप सुन रहे थे मुख्य विकास अधिकारी अमरोहा जी को। उनका स्पष्ट कहना है कि जीवनदायिनी जो गंगा है वो हम सबके लिए जीवन देने वाली है, सबको प्राण देने वाली है, और इससे ऐसा नहीं है, इसको भगीरथ प्रयास के माध्यम से इसको स्वच्छ कराया जा सकता है। इसको साफ करने में यदि जनमानस जुट जाए तो ये स्वच्छ होगी, ये निर्मल होगी और ये इसी तरीके से अविरल रहती रहेगी। उन्होंने इतिहास के बारे में चर्चा की, उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की, उन्होंने ज्ञान के बारे में चर्चा की, उन्होंने जल के बारे में चर्चा की, उन्होंने मानव व्यवस्था के बारे में चर्चा की। आपने हमें बहुत कीमती समय अपना दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद आपका कि आपने हमको अवसर दिया जो हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद सर, थैंक यू।